दोस्तों 5 दिन से चलाया जा रहा टाइटन सबमरीन और उसमें बैठे 5 अरबपति लोगों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन अब फाइनली समाप्त हो चुका है एंड यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक उन सभी 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपने टाइटेनिक मूवी तो जरूर देखी होगी जिसमें 1912 में न्यूफाउंडलैंड कनाडा से करीब 370 मील दूर एक शिप जिसका नाम टाइटेनिक था रात के अंधेरे में एक बड़े ग्लेशियर से टकरा जाता है और 1500 से ज्यादा लोगों की जिसमें मौत हो गई थी। आज भी उसका डूबा हुआ हिस्सा अटलांटिक सागर में मौजूद है जिसको देखने के लिए वो सभी 5 लोग ओशियन गेट के द्वारा बनाई गई एक सबमरीन में गए थे जो कि टाइटेनियम जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी थी जिसमें 4 दिन तक ऑक्सीजन की सुविधा थी, खास तौर पर जिसको सागर में 4000 मीटर तक की गहराई में उतारा जा सकता था, परंतु वो सबमरीन चंद कुछ ही सेकंड्स में पानी के दबाव के कारण फट गई। तो दोस्तों वो सबमरीन के फटने का क्या कारण है और उन सभी लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है?